ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत सारे मोहिनी मंत्र मैं आपको दे चुका हूँ और ये जो मंत्र हैं ये एक ही बार में काम करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये कैसे होगा, मांस मछली खाई जा सकती है या नहीं, क्या मैं इसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रही तो रात को कर सकती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं। तो आज जो है मैं आपको इन क्वेरीज का उत्तर दूंगा और एक और ऐसा बेहतरीन मोहिनी मंत्र दूंगा जो कि बहुत सरल है। इसमें जो है आपको कोई भी परहेज नहीं करना। ये महामोहिनी मंत्र है। इस मंत्र को तब किया जाता है जब आप कुछ भी करने में असमर्थ हों। यदि आपसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा, बस बेड पर बैठकर आप इसे कर सकते हैं या फिर सोते हुए इसे कर सकते हैं, और ये इतना सटीक है कि बस एक ही बार में जो भी साधक है उसका मनोरथ जो है पूरा कर देता है। जो भी आपके मस्तिष्क में विचार उठते हैं, जो भी आप सोचते हैं, उन सब को फलित करने में ये मोहिनी मंत्र कारगर है। अभी सुबह एक लेडी मुझसे पूछती कि गुरुजी मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकती तो क्या मैं इसको रात को कर सकती हूँ। तो देखिए, जो भी मैंने पिछले मोहिनी मंत्र आपको बताए हैं उनमें जो जो क्वेरीज हैं, जो जो मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं लगेगी, उसके सिवा आप जो है कुछ भी उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप सोचते हैं कि सुबह का समय बता रखा है तो आप उसको रात को कर ले, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो चीज़ मैं जैसी बताता हूँ बिल्कुल वैसे ही कीजिए, और अगर आप इसमें ज़रा सा भी फेरबदल करते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो कोसों दूर चले जाते हैं। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए आज मैं आपको एक बहुत ही सरल मोहिनी मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मोहिनी मंत्र को अगर आपने साध लिया तो समझिए जिंदगी भर के लिए ये मोहिनी विद्या आपके साथ रहेगी। ये कैसी विद्या है जो कि अलौकिक शक्तियों को आपके द्वारे ले आएगी। एक ऐसी विद्या जो कि इस धरा पर कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होगी। एक ऐसी विद्या जो कि सामने वाले को वशीभूत कर दे। तो इस तरह की विद्या के लिए आज मैं आपको एक शाबर मंत्र दूंगा जिसमें कि कोई परहेज नहीं होता, आप कभी भी इसे कर सकते हैं। तो इसको शुक्रवार से शुरू कीजिएगा या बुधवार से, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आपको एक अनार का पेड़ ढूंढना होगा। अनार का पेड़ ढूंढिए और उसके नीचे अपना आसन लगा लीजिए, किसी भी, चाहे ऊन का हो, सूती का हो, कोई भी आसन लगाइए लाल रंग में, और सूरज की तरफ मुंह करके, जहां से सूरज उगता है उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाएं। और इस मंत्र का जो है जितना भी यथासंभव जितना हो सके उतना जाप करें। उसके बाद जो है आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आएगी जो कि जिसको भी आप अपने समीप लाना चाहते हैं वो देखते ही देखते खुद ब खुद आपके इतना समीप आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तब प्रयोग में लाई जाती है जब आप किसी को अपने अनुकूल करना चाहें। इससे दुश्मनों को भी अपना गुलाम बनाया जा सकता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे समय भी आ जाते हैं जब शत्रु जो है वो हानि ही पहुँचाते रहते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की हानि नहीं देख सकते लेकिन उनको अपना बचाव करना होता है। तो इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके जितने भी शत्रु हैं वो भी आपके मित्र हो जाएंगे, क्योंकि जो मोहिनी विद्या है वो आपके पास होगी, आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो आइए आपको इसका मंत्र मैं आपको बता दूं। अगर आपको समझ में ना आए तो sarastops.com पे जाइए,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को पहले तो आपको सिद्ध कर लेना है। जब पहले दिन करें तो उस दिन जितना अधिक आपसे हो सके अनार के पेड़ के समीप बैठकर इस मंत्र का जाप करें। लगभग 20-25 माला कर डालें और इसके बाद चुपचाप आकर अपने घर में सो जाएं या अपने जो भी दिनचर्या के काम होते हैं उनमें लग जाएं। उसके बाद जब संध्या हो जाए उस समय पर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जाप करते रहें। हफ्ते भर तक ये करें तो आपका जो भी साध्य है वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आपके पास आएगा। यदि कोई प्रेम में अड़चन आ रही हो, पत्नी पति की ना सुन रहा हो या फिर पति गाली गलौज करता हो, तो इस तरह की साधना आप कर सकते हैं। अब कई बार ऐसे भी क्वेरीज आती कि गुरुजी अनार का पेड़ नहीं मिल रहा, क्या किया जाए? तो ऐसे में आप अपने हाथ में अनार की लकड़ी लेकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन अनार आपके पास होना चाहिए। अगर छोटा सा पौधा भी हो अनार का तो भी चल जाएगा। नर्सरी से कोई पौधा ले आए और उस पौधे को अपने पास रखकर फिर इस मंत्र का जाप करें तो भी ये सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद हफ्ते भर ये प्रयोग करें और मेरा यकीन मानिए, आपके भीतर एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति आ जाएगी जो कि किसी को भी आपके वशीभूत कर देगी। आप जहां जाएंगे आपकी बातें कोई टाल नहीं पाएगा। एक विशेष प्रकार की शक्ति होगी आपके पास जो कि किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन आपके जितने भी काम हैं वो बनाती जाएगी। ये किसी विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं है कि आप ये कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, ये कोई भी कर सकता है। शाबर मंत्र है, इसको कोई भी लगा सकता है। और इन शाबर मंत्रों की ये खूबी होती है कि ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। एक दिन में, एक घंटे में आप कभी भी इनको सिद्ध कर सकते हैं और ये आपका काम बना कर देंगे। ये जो मंत्र है ये मेरे प्रीमियम मंत्रों में आता है जो कि मैं किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन अब मैं वो सारे मंत्र भी दे रहा हूँ ताकि इसका एक संग्रह बन जाए। अब मेरी डायरी के कुछ पन्ने जो हैं वो गायब हो गए हैं, तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि वो इतना जो सालों की जो मेहनत थी वो कुछ मंत्र जो हैं वो गुम हो गए हैं, जो कि बिल्कुल मेरे दिल के समीप थे। और उनमें से अगर ऐसा कोई मंत्र गुम हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो अब जो है इनका एक संग्रह मैं बनाऊंगा और अब आपको ऐसे ऐसे मंत्र मिलेंगे जो कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपका काम बना देंगे। ये जो मोहिनी मंत्र है ये बहुत ही सटीक है, शाबर मंत्र है, इसलिए इसको करना बहुत सरल है। कोई भी कर सकता है, कोई परहेज नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब कीजिएगा और रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। शाबर मंत्रों में एक ये विशेषता होती है कि ये टूटी फूटी लैंग्वेज में होते हैं। किसी गांव कबीले की भाषा आ गई, कुछ संस्कृत आ गया, ऐसे सारा कुछ जोड़कर ये मंत्र बनते हैं। लेकिन इनकी जो शक्ति है वो अपार होती है। एक बार किसी पे लग जाए तो फिर किसी के हटाए नहीं हटता। मुझे याद है ये लगभग 25 साल पहले किसी ने मुझे दिया था। वो मंत्र तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उस मंत्र ने एक महीने के भीतर मेरा काम बना दिया था। और तब से मुझे जिज्ञासा हुई मंत्रों को जानने की, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। इस धरा पर उस समय की जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल ही बदल दी उस मंत्र ने।
और उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी थी वो मैंने इसमें लगा दी कि जो मंत्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन पर रिसर्च करूं और इनका एक संग्रह बना दूं। और उसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं कितने लाखों मंत्र हैं अब मेरे पास और सारे के सारे काम करते हैं। तो ये जो पृथ्वी है इस पर नाना प्रकार की शक्तियाँ विचरण करती हैं और जो साइंस है वो एक छोटे से पार्ट को ही अभी जान पाया है, उसके बारे में भी पूरी अभी जानकारी नहीं मिली है, बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते हैं, तो उन्हें शक्तियाँ कहिए, अलौकिक शक्तियाँ कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उन चीज़ों से कैसे संपर्क करना है, उनसे कैसे अपना काम निकलवाना है, अब तक हमें सिर्फ यही पता लगा है। अब इन्हें मंत्र कहिए या फिर कुछ पासवर्ड कहिए जो कि आपका काम बना देते हैं, लेकिन असल में क्या है ये हम भी नहीं जानते। तो बस इतना है कि ये प्रयोग करने से ऐसा हो जाता है, तो इस प्रयोग को कीजिए और हफ्ते भीतर आपको किस तरह के अनुभव मिलते हैं, कैसा आपको फील होता है और कैसे आपका काम बनता है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आई तो कॉल कीजिएगा 999-2816-25 पर। धन्यवाद।